अस्सलाम वालेकुम। और ये वी की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूँ निदा ताहिर, और हमेशा की तरह मेरे साथ पैनल पे मौजूद है मैडम नसरीन खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम। मैं अपने देखने वालों को बताना चाहूंगी कि आज हमारे जो पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं सर मोइज। आप हमारे देखने वालों को उनके बारे में बताएं। जी, जैसा कि हमारी कोशिश होती है कि हम आपको हमेशा किसी ऐसे इंसान से मिलवाएं जो कि टॉपिक से रेलेवेंट हमें बेहतरीन इंफॉर्मेशन दे सके, बेहतरीन गाइडलाइन दे सके, तो आज हमारे साथ मोइज़ अमजद साहब हैं जिनको कि हमने इनवाइट किया है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो लर्निंग स्किल्स की इम्प्रूवमेंट के हवाले से सोसाइटी में रोल प्ले कर रहे हैं। वो डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में विजिट करके बच्चों को, स्टूडेंट्स को अपनी लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स हैं और जो कुछ उसमें इम्प्रूव करने की गुंजाइश है उसके हवाले से हमें गाइड करें। जी, हमारे साथ जूम पे मौजूद हैं मोइज़ अमजद साहब, तो मिलते हैं। जी वेलकम मोइज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी तो यहाँ पे आपको बताती चलती हूँ कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि हम अपने कॉलर से सवालात लेते हैं और उसके बाद जो है वो हम अपने जो पैनलिस्ट हैं उनके सामने रखते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं लाइन पे कॉलर, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम बीहा नूर है, मैं फोर्थ ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन मोहित साहब से ये है कि एजुकेशन का क्या मकसद है और आजकल जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है इसमें किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है। शुक्रिया शुक्रिया, हम ये सवाल रखते हैं मोइज़ साहब के सामने। यकीनन हमारी नौजवान नस्ल की ये बड़ी इम्पॉर्टेंट एक उनका ज़रूरत है कि उनको इस बात का पता चले कि हम बुनियादी तौर पर ये इल्म क्यों हासिल कर रहे हैं, एजुकेशन क्यों हम लेते हैं। जी तो मोइज़ साहब, ये हमारी बच्ची हैं जो आपके सामने ये सवाल रख रही हैं, प्लीज़ गाइड करें। शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है जी कि एजुकेशन का सिस्टम जो है वो कोई खुदादाद चीज़ नहीं होती कि जिसके अंदर अपने तौर पर कोई मकसद पाया जाता हो। एजुकेशन का सिस्टम इंसान की बनाई हुई चीज़ है और उसके अंदर वही मकासद होंगे जो इंसानों के पेश नज़र थे जिन्होंने ये सिस्टम बनाया। अगर उनके पेश नज़र बेहतरी का मकसद होगा तो जाहिर है कि वो सिस्टम बता रहा होगा कि वो क्या कर रहा है उस मकसद के लिए, और अगर उनके पेश नज़र ये नहीं होगा तो फिर वो बेहतरी बात पैदा भी नहीं होगी। फिर वो एक ऐसे ही है जिस तरह से बाय चांस कोई चीज़ किसी बच्चे में या किसी बड़े में पैदा हो जाए तो हो जाए, ये मकसद नहीं है उसका। बिल्कुल। यानी एजुकेशन एक, मैं समझता हूँ कि असल में ये तो जो बनाने वाले हैं, जो एजुकेशन का सिस्टम बनाएंगे, उनका मकसद पूछना चाहिए कि वो क्या है, वो क्यों बना रहे हैं। हमारा जो मौजूद एजुकेशन सिस्टम है वो इंसानों के लिए नहीं बना हुआ, इस बात को बड़ी अच्छी तरह से समझना चाहिए। यानी इंसान सारे के सारे एक नहीं होते, ये एक इंडस्ट्रियल पैराडाइम पे बना हुआ एजुकेशन सिस्टम है जिसका मकसद ये है कि जो इंसान, वो इंसान जो कि इस एजुकेशन के सिस्टम के मुताबिक अपने आप को ढाल सकते हैं वो कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है जी, जो इसके मुताबिक नहीं ढाल सकते, और वो भी इंसान ही है, उतने ही इंसान है बल्कि शायद बेहतर ही इंसान हो, कि जो नहीं ढाल सकते वो नाकाम हो जाएंगे। वो जो कामयाब हो जाएंगे उनमें एक फॉल्स सेंस ऑफ बेटरमेंट और सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी पैदा हो जाएगा। वो एक बिल्कुल ही बेमकसद ला ताल्लुक किस्म की एक एहसास बर्तरी का शिकार हो जाएंगे, और जो नाकाम हो जाएंगे सिस्टम में वो बिल्कुल ही एक अनरियल एहसास कहतरी का शिकार हो जाएंगे। तो ये असल में हमको खुद से देखना है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो किन मकासद के लिए बनना है, किस चीज को अचीव करने के लिए बनेगा। किरदार की तामीर उसका मकसद है नहीं है, किरदार की तामीर होती कैसे है, लर्निंग उसका मकसद है या नहीं है, या महज इंसानों को ग्रेड्स दे देना है कि ये बेहतरीन है, और बेहतरीन भी बड़े रिस्ट्रिक्टेड सुपरफिशियल किस्म के क्राइटेरिया पे। यानी जिस वक्त हमने एजुकेशन बनाई या हमने कोई सिस्टम बनाया तो उसमें हमें ये तय करना है कि हम इसका टारगेट क्या है, इससे अचीव क्या करना चाहते हैं। अगर तो हम महज उनकी ग्रेडिंग अचीव करना चाहते हैं और खास
बिल्कुल लिमिटेड सुपरफिशियल क्राइटेरिया पर, तो ये एजुकेशन सिस्टम बड़ा अच्छा कर रहे हैं वो। जी मोहित सर बहुत शुक्रिया, और हम मूव करते हैं आगे नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं हमारी दूसरी कॉलर जो कि मोहित साहब से सवाल करना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम फिजा राशिद है, मैं साइकोलॉजी की बीए की स्टूडेंट हूँ। मिस मेरा सवाल ये है कि एजुकेशन ऑफ ऑनलाइन सिस्टम में हम किस तरह अपग्रेड करेंगे, हमारी इकोनॉमी और सिस्टम बहुत गरीब है, ये सब कैसे चलेंगे मैम? जी जी थैंक यू, आपने सवाल जो किया हम मोहित साहब के सामने ये पेश कर देते हैं। जी मोहित साहब, ये बच्ची हमारे हमसे जो सवाल कर रही हैं, हम चाहेंगे कि आप उसके हवाले से हमें कुछ सजेस्ट करें। जी अगर आप जीरो से शुरू कर रहे हो मिसाल के तौर पर, तो फिर आप इसको देखिए कि ऑनलाइन सिस्टम जो है वो असल में इकोनॉमी अगर इतनी बहुत बहुत वेल ऑफ नहीं है तो उसके लिए ज़्यादा सूटेबल होना चाहिए था, इसलिए क्योंकि जो आपने इंस्टीट्यूशंस के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, जो इंस्टीट्यूशन की लॉजिस्टिक्स बनाई हुई है, उसमें जो कॉस्ट हमारी लग रही है उससे तो बहुत सारी कॉस्ट बचती है ऑनलाइन सिस्टम पर। यानी फॉर इंस्टेंस मैं आपसे अर्ज करता हूँ, यहाँ पर एक मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूशन खोल लीजिए, उस पे जो कॉस्ट आएगी वो मेरे लिए यानी एज एन इंडिविजुअल मेरे लिए अगर देखा जाए तो उस इंस्टीट्यूशन में जाकर पढ़ने में जो कॉस्ट आएगी, अगर मैं ऑनलाइन मैनेजमेंट सीख सकूं और फ्रीली सीख सकूं तो मेरे लिए तो वो बहुत चीप पढ़ना चाहिए। हो ये रहा है, यानी असल में प्रॉब्लम ये है कि ऑनलाइन सिस्टम जो है वो प्राइमरीली उन लोगों के लिए जो कि सेल्फ रेगुलेटेड लर्नर होते हैं, यानी जब आदमी खुद से कुछ सीखना चाहता है तो ऑनलाइन सिस्टम जो है वो उसकी बहुत ज्यादा मदद करते हैं, यानी उस पर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो अपने तरीके पर अपनी स्पीड पर अपने शौक से वो सीख सकता है चीजें। लेकिन जिस वक्त हम उसी सिस्टम को कि जो हमने अपने स्कूलों और कॉलेजों में चला रहे हैं, हम उसी सिस्टम को उठाकर ऑनलाइन करते हैं, तो जो बच्चे को आप स्कूल कॉलेज में फिजिकल क्लासरूम में कंट्रोल कर सकते थे, अब आपके पास वो कंट्रोल भी नहीं रहा, अब आप क्या करेंगे? यानी अब आपको जबरदस्ती बच्चों को ये कहना पड़ेगा कि सारे अपने वीडियोस ऑन रखें, सारी जो बात है उसको रिकॉर्ड करेंगे, अटेंडेंसेस लगाएंगे, ये सब कुछ करेंगे। ये ऑनलाइन सिस्टम बेसिकली मेरे लिए बने हैं, अगर एक इंस्टीट्यूशन ये बनाएगा तो, और वो इसी सिस्टम पर चलते हुए बनाएगा कि जिसमें बच्चे को पहली जमात से लेकर 16वीं जमात तक सारा जो कुछ करता है वो असल में सिस्टम में कामयाब होने के लिए करता है, कुछ सीखने के लिए नहीं करता, तो ऑनलाइन सिस्टम उस बच्चे के लिए कामयाबी का कैसे पैदा कर सकता है?